ये वही अल्ताफ बुखारी हैं जो अपनी पार्टी के कयाम से पहले पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के गुणगान करते थे और आज ऐसा क्या हुआ है कि महबूबा से ही खफा होके बैठ गए। न कश्मीर की सियासत पे भरोसा, न कश्मीरी मौसम पे भरोसा, क्योंकि सियासत और कश्मीरी लीडरान हमेशा बदलते हैं, कभी पार्टियां और कभी सोच। और यही बात साबित की है अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी के बयान ने। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला और पीडीपी सरप्रस्त महबूबा मुफ्ती ने हालिया में ही आइंदा इंतखाबात में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया है और वजह बताई है तो जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे को वापस लाने की, जिसके बाद मीडिया ने मकामी सियासतदानों से रद्द अमल जानने की कोशिश की तो बहुत सारे लीडरान ने जहां एक तरफ इसकी किनाराकशी की, वहीं एक अल्ताफ बुखारी ही ऐसे थे जो इस पर जमकर बरसे। ये वही अल्ताफ बुखारी हैं जो अपनी पार्टी के कयाम से पहले पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के गुणगान करते थे और आज ऐसा क्या हुआ है कि महबूबा से ही खफा होके बैठ गए। अल्ताफ बुखारी ने नुमाइंदे से बात करते हुए कहा है कि पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर फारूक अब्दुल्ला इस काबिल नहीं है कि जम्मू कश्मीर की सरपरस्ती कर सके। मजीद क्या कुछ कहना था बुखारी का और बाकी जमातों के सियासतदानों का, आए आपको दिखाते। उन्होंने लोगों को बड़ी तकालीफ दी है, तो अच्छा है अगर उन्हें इस चीज़ का एहसास हुआ है कि उनकी तकालीफ इतनी उन्होंने लोगों को दी है कि उनको रिटायर होना चाहिए, तो कोई कमी थोड़ा ही है यहाँ। यहाँ तो आप देखिए, नौजवान लीडर है इम्तियाज़ साहब, ये यहाँ बाकी नौजवान, ये नौजवान इस साइड में, तो ये क्यों नहीं चीफ मिनिस्टर बन सकते। उन्होंने अपनी इनिंग्स की, मुझे लगता है बहुत उन्होंने ज़्यादतियाँ लोगों के से किए। अगर उनको इस चीज़ का एहसास हो चला है कि उन लोगों से ज़्यादतियाँ लोगों के साथ हो गया है और उनको ये जगह खाली करके नए पौध के लिए जगह छोड़नी चाहिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैं किसी भी सियासी पार्टी के लीडर के बारे में कुछ नहीं कहूँगा। मैं सभी सियासी पार्टी के लीडरों की इज्जत करता हूँ, मुझसे उम्र में बड़े हूँ या छोटे हूँ या आम उम्र हूँ। लड़ेंगे क्यों? अरे इनको पता है बुरी तरह से हारेंगे ये, इसीलिए तो है। इनको पता है कि अगर हमने की तो चुनाव लड़े तो हमें कोई वोट नहीं पड़ेगा। और उमर अब्दुल्ला साहब ने तो पिछली बारी दो दो जगहों से चुनाव लड़े थे, उनको पता था पता नहीं मैं कहां से हार जाऊं। वो तो वैसे डरे हुए हैं बेचारे, अब कोई नहीं तो बहाना मिल गया उनको कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। मैं चैलेंज करता हूं, लड़के दिखाओ जरा। और उमर अब्दुल्ला साहब आप लड़ो, मैं आपके खिलाफ इलेक्शन लड़कर और जीत कर दिखाऊंगा, वो भी कश्मीर में। चैलेंज करता हूं आपको। अब ये भी कहते हैं कि हुर्रियत भी अब मेनस्ट्रीम में आएगी, अब क्या आपको लगता है अगर मीरवाइज उमर मेनस्ट्रीम में आते हैं इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं तो आपको क्या सोच रहेगा? देखिए, पूरे का पूरा संवैधानिक हक है डेमोक्रेसी में, जो कोई भी आना चाहता है वो कोई भी हो, सिर्फ उसका दामन पाक होना चाहिए। टेररिस्टों के लिए डेमोक्रेसी में कोई जगह नहीं है। तो मीरवाइज को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए वो देख लें, उनका दामन कैसा है और वो क्या करना चाहते हैं।